अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। श्रम विभाग के द्वारा हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें हमारी महिला कामगारों के लिए मातृत्व प्रसुविधा योजना के 55 लाभुकों के लिए कुल 8,25,000 रुपए का कंसोलिडेटेड चेक। इसे लेने के लिए बसंती कुमारी को आमंत्रण। मातृत्व प्रसुविधा योजना श्रम विभाग की ये महत्वाकांक्षी योजना हमारे गणमान्य अतिथि गणों के कर कमलों के द्वारा, श्रम विभाग के द्वारा ही हमारे कामगार रजिस्टर्ड जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनके मेधावी पुत्र पुत्रियों के लिए 167 लाभुकों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनके लिए 1,41,000 रुपए की राशि चुटकी सोरेन मैं आमंत्रण दे रही हूं। आप सामने की तरफ देखें, मेधावी पुत्र पुत्री 167 आवेदकों लाभुकों के आवेदन स्वीकृत हैं। श्रम विभाग की औजार किट योजना के तहत 26,95,000 रुपए की राशि के चेक का वितरण आजाद अंसारी को मैं आमंत्रित कर रही हूं। सभी हमारे श्रमिक भाई बहनों की ओर से आप साझा रूप से ये चेक प्राप्त करेंगे 26,95,000 रुपए। श्रम विभाग की साइकिल सहायता योजना के तहत 1,11,00,000 रुपए की राशि से संतोष हांडी को आमंत्रण। आप आए श्री संतोष हांडी जी, ये श्रम विभाग की साइकिल सहायता योजना लाभुकों को, विभिन्न लाभुकों को मिलाकर कंसोलिडेटेड चेक आपको दिया जा रहा है। और अब आज इस कार्यक्रम में 3,000 लाभुकों का गृह प्रवेश, जिसमें सांकेतिक रूप से नगर निगम की ओर से चुन्नी देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए आवास पूर्ण होने का ये सर्टिफिकेट और गृह प्रवेश किट, गृह प्रवेश किट और आवास पूर्ण होने का ये सर्टिफिकेट चुनी देवी नगर निगम की ओर से आपको आमंत्रण। चुनी देवी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए आवास पूर्ण होने का सर्टिफिकेट, और इसके साथ ही साथ ये गृह प्रवेश, जोरदार तालियां होनी चाहिए, एक खामोशी नहीं होनी चाहिए, हम विकास की एक नई इबादत लिख रहे हैं। इनका घर पूर्ण हो चुका है और अब DRDA के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुक हैं किसुन मरांडी और अलका बावरी, ये दो लोग हैं, अलकाबुरी और किसुन मरांडी। आप आएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, ये आपको आवास आपने पूरा कर लिया है, इसके लिए आपको पूर्णता सर्टिफिकेट और इसके साथ ही साथ गृह प्रवेश का किट आपको दिया जा रहा है। किसुन मरांडी, अलका हमारे गणमान्य अतिथि गणों के द्वारा, माननीय विधायिका झरिया निरसा के द्वारा ये सम्मान हमारे लाभुकों के बीच में, नगर निगम द्वारा RF की राशि, रिवॉल्विंग फंड की राशि, हमारे SHG ग्रुप के लिए 2,70,000, कृष्णा देवी और निहारिका सिन्हा को मैं आमंत्रण दे रही हूं। कृष्णा देवी और निहारिका सिन्हा आपको आमंत्रण। और कौन है? अच्छा, बादल धीवर, उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है बादल धीवर जी। बहुत आभार व्यक्त करती हूं
अपने अतिथिगणों का, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय का, हमारे सभी गणमान्य अतिथिगणों का बहुत आभार इन परिसंपत्तियों के वितरण के लिए। और अब मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण देना चाहती हूँ हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय विधायक टुंडी आदरणीय श्री मथुरा महतो जी, निवेदन करना चाहती हूँ। माननीय विधायक टुंडी श्री मथुरा महतो जी, सर निवेदन आपसे आपके उद्बोधन हेतु। आज माननीय मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री नहीं आ पाए, परंतु धनबाद जिले के माननीय सांसद, माननीय सभी विधायकगण, नगर निगम के हमारे महापौर साहब, हमारे उपायुक्त एवं तमाम पदाधिकारीगण, और सुदूर गांव से आए हुए और तमाम बूढ़ा बुजुर्ग नौजवान साथी सब, तमाम महिलाएं, प्रेस मीडिया के भाइयों, काफ़ी विलम्ब से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री का जब सूचना हम लोग प्राप्त हुआ, उसके बाद इस परिसंपत्ति का वितरण ऑनलाइन जो हमारे शिलान्यास और उद्घाटन, वो भी माननीय सभी जनप्रतिनिधि के द्वारा किया गया। परंतु हम लोगों ने जो बातें माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष, जिले का जो महत्वपूर्ण बातें हम लोग रखना चाहते थे, जो नहीं रख पाए, इसका मलाल हम लोग का है। मगर फिर भी हम लोग इस जिले के प्रतिनिधि होने के कारण हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, हमारा ट्रैफिक के क्षेत्र में, जो भी समस्या हमारा जिला का, उन तक हम लोग पहुँचाएंगे। और आशा ही नहीं, विश्वास हम लोग का है कि माननीय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, इनके नेतृत्व में विकास का गति बढ़ेगा और राज्य विकास की ओर जाएगा। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय विधायक महोदय का। और अब बहुत सम्मान के साथ उस शख्सियत को आमंत्रण, जो आप सबके, हम सबके अपने हैं, मैं निवेदन करना चाहती हूँ माननीय सांसद धनबाद आदरणीय श्री पशुपति राज सिंह जी को कि आप आए और अपनी बातों को रखें। सर आपके उद्बोधन है दो। सर के विचार हम सुनेंगे, माननीय सांसद महोदय का आशीर्वचन हम लेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे सम्मानित अतिथि हमारे बीच माननीय विधायक श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय विधायिका निरसा, बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण देती हूँ मैम आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु। हेलो, थैंक यू मैम। आज विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन में मंच में उपस्थित माननीय सांसद महोदय, मेयर साहब, तमाम हमारे विधायकगण, डीसी साहब और दूर दूर से आए हमारे भाई बहनों, हमारे बीसीसीएल से हमारे सीएमडी साहब, हमारे पत्रकार बंधु, आज बहुत खुशी की दिन है कि आज विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ। इस 2020 में नया साल में हर विभाग का
जो उद्घाटन शिलान्यास हुआ, ये उस विभाग के माध्यम से जनता को सुविधा मिलेगा, विकास होगा, यही हम लोग आशा रखेंगे कि केंद्र और राज्य सरकार में जो योजना चल रहा है वो सुचारू रूप से चले और जनता को सुविधा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता मैम का। और अब मेरा अगला आमंत्रण होगा माननीय मेयर धनबाद नगर निगम श्री चंद्रशेखर अग्रवाल जी से कि आप आए अपने विचारों के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे उपस्थित हम लोग के गार्जियन स्वरूप यहाँ के सांसद आदरणीय पशुपतिनाथ सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारी विधायक बहन अपर्णा सेन गुप्ता जी, भाई इंद्रजीत जी, पूर्णिमा जी एवं जो विधायक अभी जस्ट यहाँ से निकले भाई मथुरा महतो जी, तमाम डीसी महोदय, हमारे नगर आयुक्त महोदय, तमाम सम्मानित जन जो मंच पे विराजमान है, मीडिया के बंधुओं और अभी अभी इस प्रांगण में रहे तमाम बंधुओं, मैं आप सबों को केवल एक बात कहना चाहूँगा कि धनबाद नगर निगम हमेशा आपके सेवा में तत्पर रहा है और आगे भी रहेगा और इसी जज्बे के साथ हमेशा धनबाद नगर निगम आपके साथ खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मेयर श्री चंद्रशेखर अग्रवाल जी का। और हमारे कार्यक्रम में हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय विधायिका झरिया श्रीमती पूर्णिमा सिंह मैम हैं। मैं सादर आग्रह करती हूँ आपके उद्बोधन हेतु मैम। मंच पर उपस्थित सभी माननीय हमारे सांसद महोदय श्री पीएन सिंह जी, हमारे मेयर साहब, विधायक निरसा और हमारे डीसी साहब और विधायक श्री इंद्रजीत महतो जी और सभी माननीय, आप सभी लोगों का अभिनंदन है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं और आप जिस भी रूप में मकर संक्रांति मनाते हो, बीहू, पोंगल, तुसु, जो भी, आप सभी को उसकी भी शुभकामनाएं। आज शिलान्यास के इस कार्यक्रम के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये जो शिलान्यास का कार्यक्रम जो आज ये सौगात धनबाद को मिली है, मेरी उम्मीद है और मेरा विश्वास है कि हमारी सरकार में ये सौगात ऐसा विकास का कार्य धनबाद में आगे भी होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं। बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय विधायक महोदया का। और उसके बाद सादर आमंत्रण कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि हम सबके अभिभावक माननीय सांसद महोदय से श्री पशुपतिनाथ सिंह जी से कि आप आए और अपने आशीर्वचन अपनी बातों को हमारे सामने रखें। सर आज के कार्यक्रम में उपस्थित धनबाद के लोकप्रिय महापौर श्री चंद्रशेखर अग्रवाल जी, निरसा के माननीय विधायक आदरणीय अर्पणा सेन गुप्ता जी, सिंदरी के माननीय विधायक श्री इंद्रजीत महतो जी, बीसीसीएल के सीएमडी प्रसाद साहब, धनबाद के उपायुक्त महोदय, नगर निगम के आयुक्त महोदय, सभी
पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, आज 63.5 करोड़ रुपए के विकास के कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। निश्चित रूप से सभी जिला प्रशासन ने इतनी अच्छी तैयारी की कि अभी सरकार पूरी तरह बनी नहीं है, लेकिन फिर भी योजनाओं को तैयार कर और उसको शिलान्यास करने के लिए आज तैयारी कर रखा। आज हुआ भी, और इसमें जिला के प्रशासन के लोग योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सारी प्रक्रियाओं को पूरा किए। नगर निगम ने पूरा किया, BCCL ने इसमें कई योजनाएं CSR के माध्यम से चलने वाले कार्यों का शिलान्यास कराया, हर ने शिलान्यास करवाया। और ऐसे कहूं कि धनबाद में विकास के लिए आज का दिन एक मील का पत्थर, नए युग में उसकी शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री जी रहते तो निश्चित रूप से धनबाद के प्रमुख समस्याओं को उन्हें अवगत कराता, लेकिन उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहां उपायुक्त महोदय हैं। निश्चित रूप से हम लोगों के संवाद को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, चाहे धनबाद के सड़क जाम की समस्या हो, चाहे यहां पर जो 2020 में 2000 में मैथन जलापूर्ति योजना शुरू हुआ, आज 2020 हो रहा है, करीब करीब आबादी दुगने हो गए, लेकिन उसी जलापूर्ति योजना से दुगनी आबादी को पेयजल की आपूर्ति होती है। अब यह लोग कह कि यहां पर अच्छी स्वास्थ्य सेवा भी आगे बढ़े, और उसके लिए पूर्व से ही हवाई अड्डा खुले, हवाई जहाज उड़े, अब उसके लिए भी धनबाद के लोगों की बहुत पुरानी सोच है, उसमें जमीन भी उपलब्ध कराने का काम राज्य सरकार करे। निश्चित रूप से ऐसे कई बिंदु थे जिनको मुख्यमंत्री जी के सामने आज हम रखते, लेकिन लगता है कि कोई बहुत आवश्यक काम आ गया होगा, जिसके चलते माननीय मुख्यमंत्री जी यहां नहीं आए। लेकिन कार्यक्रम संपन्न हुआ, गरीबों के बीच परिसंपत्ति का वितरण हुआ, शिलान्यास हुआ, और निश्चित रूप से आगे के दिनों में मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, धनबाद की समस्याओं को सुनेंगे और निदान की दिशा में भी कदम को उठाएंगे। इसी विश्वास के साथ इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए थे, उनके आशा पर पानी नहीं फिरेगा, और इस काम को जो धनबाद में अधूरा काम है विकास का, उसको आगे बढ़ाने का काम सरकार करेगी। इतना ही निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय झारखंड। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय सांसद महोदय का आपके विचारों के लिए। यकीनन विकास की एक नई राह हम घड़ेंगे। बहुत आभार अपने सभी अतिथिगणों का
इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए, इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम में जितने भी लोगों ने शिरकत की, आप सबका, हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी बंधु रहे हैं, जितने भी पत्रकार बंधु रहे हैं, आप सबका बहुत आभार व्यक्त करते हुए माननीय सांसद महोदय की अनुमति से आज के इस कार्यक्रम के समापन की उद्घोषणा करती हूँ।